यूपी बिहार के छात्रों का जब स्कूल से पहली दफा परिचय हुआ था तो परिचय होने के साथ ही उनसे कहा जाता था कि अपनी हिंदी की वर्तनी को समझाने के लिए आप एक निबंध लिखिए। निबंध में अक्सर कहा जाता था कि घर के बारे में लिखिए, अपने गांव के बारे में लिखिए, या फिर लिखिए आप गाय के बारे में। तो गाय के बारे में निबंध लिखते वक्त अक्सर छात्र इसी तरह से लिखते थे कि गाय के चार पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, दो सींग होते हैं, गाय दूध देती है और दूध बड़ा ही लाभकारी होता है। ये परिचय हमारा हिंदी के साथ तो हुआ ही था, साथ ही साथ हिंदी भाषा, उसकी वर्तनी में सुधार, ये सब कुछ हमारे साथ हुआ था, यूपी और बिहार के छात्रों के साथ ही हुआ था, ये बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें बदलती गईं, हम भी बड़े होते गए, शिक्षा भी बड़ी होती गई और समय भी काफ़ी बदला। आज के समय में जब UPSC पास करके आए लोग भी जब अपना सब कुछ भूल भाल कर गाय ढूंढने, गाय की रक्षा करने और गौ सेवा को ही अपना धर्म मानते हों, प्राथमिकता में रखते हों, तो ये एक बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही गौरक्षाओं की सेना भी तैयार हो चुकी है, गौरक्षकों की भी बकायदा एक टोली है। ये कौन से संविधान के अंदर आती हैं या फिर इनको कानून का पालन कराने के लिए कौन सा आदेश मिला है, ये भी एक सवाल होना चाहिए। बाकी वर्दीधारी पुलिस वाले भी आजकल अपनी प्राथमिकता में गायों को रखते हैं, गायों की सुरक्षा को रखते हैं, ये भी एक बड़ी कसौटी है। इसके साथ ही गायों के बदलते स्वरूप को देखते हुए गाय भी अब इतराने लगी हैं, लेकिन गाय इतराती किस तरह से हैं ये एक पहेली भी ना हो, इसके लिए बाजू वाली जो तस्वीरें चल रही हैं उनको समझिए। ये एक तस्वीर में देखिए कि सड़क पर गाय चल रही हैं, सड़क पर गाय हैं, खुलकर चल रही हैं, अस्पतालों में गाय हैं, अस्पतालों के अंदर गाय घुस चुकी हैं और अस्पतालों में भी गाय दिखती रहती हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, काफ़ी दुर्लभ नहीं हैं बल्कि बाकी काफ़ी आसान है, किसी भी कैमरे से ये खींची जा सकती है, मोबाइल फोन से बकायदा गांव से लोग ये तस्वीरें बनाकर भेजते रहते हैं। तो आखिर जब गौशालाएं बनने लगी हैं, गौशालाएं जब हजारों की संख्या में गौशालाओं का निर्माण उत्तर प्रदेश में करवाया गया है, तो आखिर गाय सड़कों पर क्यों है, ये एक सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस पर सवाल करते वक्त काफी बचते हैं पत्रकार, क्योंकि खतरा भी हो सकता है। लेकिन खतरे को ज्यादा समस्या ना मानते हुए आज इसी पर बातचीत करते हैं। आवाज का कार्यक्रम है, मेरा नाम काविंद्र चौहान है। मनुष्य की माता को भले ही सियासत अपनी माता ना माने, लेकिन गाय को इतनी बड़ी माता बना देती है कि उसके नाम पर कत्लेआम भी आम लगने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना दिया। ये एक ऐसा आयोग था जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, क्योंकि इससे पहले हमने तरह तरह के आयोग देखे थे और आयोग इतने हो गए थे कि अगर मैं चर्चा कार्यक्रम में करना शुरू करूंगा तो अगला शनिवार आ जाएगा और तब तक ये चर्चा चलती रह जाएगी कि आयोग कितने हैं। देश में आयोग इतने हैं कि उसकी भरमार है, नीति आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, तमाम आयोग हैं, आपने भी देखे होंगे। लेकिन अपने आप में एक चमत्कारी, रहस्यमयी, विचित्र आयोग है, वो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है। तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो था वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया, ठीक है, बना दिया, बढ़िया बात है। और इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर की एक गौ परीक्षा करवाने की बात कही, यह अपने आप में और ज्यादा विचित्र है कि एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, कामधेनु आयोग बनाया गया, और यह कामधेनु आयोग जो है वो गौ परीक्षा करवाने की बात कर रहा है। परीक्षा के नाम के आगे लिखा हुआ है गौ परीक्षा। अब गौ परीक्षा करवाने की बात कही गई तो सिलेबस भी होगा। अब दर्शकों, सिलेबस पे क्या था? सिलेबस पे दरअसल जो इनकी एक किताब थी जिसमें अध्याय थे, चैप्टर्स थे, लेसन्स थे, उसमें कहा गया कि गाय जो है वो जो दूध देती है उससे पोषण मिलता है, मजबूती आती है शरीर में, शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। लेकिन एक और बात की गई कि गाय का जो गोबर है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर गाय की हत्या की जाती है तो किस तरीके से सर्वनाश होता है, इस तरीके की बातें सिलेबस में कही गई। तो इसी सिलेबस को लेकर एक परीक्षा थी और तारीख रखी गई थी 25 फरवरी 2021, इसी साल की 25 फरवरी। आपको बता दूं दर्शकों को, 21 फरवरी को एक मॉक टेस्ट भी रखा गया था। UGC किसी भी परीक्षा को लेकर लोगों से आग्रह ना करता हो, निवेदन ना करता हो छात्रों से, परीक्षार्थियों से, लेकिन इस परीक्षा को लेकर, ये जो गौ परीक्षा थी जो कामधेनु आयोग था वो करवाने जा रहा था, इसको लेकर UGC ने कहा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले। वो ऐसा IIT के लिए नहीं कहता, ऐसा IIM की परीक्षाओं के लिए नहीं कहता, नीट जो मेडिकल परीक्षाएं कराती हैं उसके लिए ऐसा नहीं कहता, लेकिन UGC ने बकायदा इस गौ परीक्षा के लिए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस परीक्षा को दें और सिलेबस को पढ़ें। तो 25 फरवरी 2021 को एक परीक्षा जो थी वो रखी गई थी, वैसी ही जैसी IIT की परीक्षा होती है, जैसी IIM की परीक्षाएं होती हैं, जैसी नीट की मेडिकल परीक्षा होती है, बिल्कुल वैसी। गौ विज्ञान के नाम पर गाय को सर्वोच्च सम्मान मिलने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया।
इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी था, 12 भाषाओं में परीक्षा को होना था, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। लेकिन जब देश भर की गाय अपने नाम पर होने जा रही ब्रह्मांड की पहली परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि सरकार ने धोखा दे दिया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि लोग जब सरकार सत्ता में आ जाती है और अगर वादे पूरे नहीं आ जाते तो लोग कहते हैं कि सरकार ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ जो वादा किया गया था उसको नहीं कर पाया। हालांकि वादा तो नहीं था, लेकिन गायों के नाम पर परीक्षा होने जा रही थी। अगर गायों के पास वोटर कार्ड होता तो सरकार मनाने में लग जाती, गायों को यूं हताश या निराश ना करती। और गायों के पास अगर जवान होती तो वो कहती कि आपने हमको धोखा दिया है, हमारे नाम पर परीक्षा होने वाली थी, हमारे नाम पर बकायदा एक सिलेबस गढ़ा गया था, जब लोगों ने पढ़ लिया, जब समझ गए तो आपने परीक्षा को स्थगित कर दिया। खैर, परीक्षा स्थगित हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा ने शपथ के बाद काफी समय तक उन्होंने अपनी कैबिनेट तो नहीं बनाई, लेकिन सबसे तेजी के साथ गौ कैबिनेट बना दी। बताइए, विचित्र बात है। मतलब वोट करे मनुष्य और मौज करे गाय, ये स्लोगन उत्तर प्रदेश में कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर गाय पढ़ लिख सकती तो जरूर लिखा होता हमारी उत्तर प्रदेश की धरती पर। योगी सरकार ने सिंहासन संभालने के अगले ही दिन अवैध बूचड़ खानों को बंद करवा दिया, अच्छी बात है। गौक्षी, गौहत्या, इन सभी को लेकर प्रशासन को हड़का दिया। अब मानो अधिकारियों पर इस चीज का ज्यादा प्रेशर रहता है कि कहीं किसी गाय किसी समस्या में ना जाए। गौ तस्करी की खबर सुनते ही अधिकारी सारी लाल बत्तियां तोड़ता हुआ पहुंच जाता है। एक आईपीएस लेवल का अधिकारी, आईएएस लेवल का अधिकारी। उधर मोटरसाइकिल सवार काफिला लिए गौ तस्कर को पकड़ने के लिए ये गौ रक्षक मोर्चा संभाल लेते हैं। ट्रक में गाय है भी या नहीं ये देखने से पहले जो वाहन चला रहा था, जो वाहन चालक था, उसको 10-20 थप्पड़ तो परिचय स्वरूप मिल जाते हैं। इसके बाद अगर उसका नाम मुस्लिम निकल आया तो 10-20 लाठी भी साथ में मिल जाती है। और इसके बाद अगर ट्रक में सच में गाय मिल गई तो जान की अवधि समाप्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया या यूं कहें कि इस पूरे माहौल के चलते हम एक ऐसे काल में प्रवेश कर चुके हैं जहां गाय प्राथमिकता में है। वहीं कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में हम सभी ने देखी थी, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाऊंगा कि हम सभी ने दर्शकों देखी थी जलती लाशें, बहती लाशें, रेत में दबी लाशें, वेटिंग में पड़ी लाशें, रजिस्टर में लिखी लाशें और अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर में लाश। और यूपी सरकार क्या कर रही थी? तो दर्शकों, यूपी सरकार हर जिले में गायों की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनवा रही थी, गौशालाओं को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दे रही थी और इसके साथ ही मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य करने की बात कह रही थी। तो दर्शकों, जब हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, जब दर्शकों कोरोना काल के समय हम लोग देख रहे थे जलती लाशें, बहती लाशें, रेत में दबी लाशें, वेटिंग में पड़ी लाशें, रजिस्टर में दिखी लाशें, अखबार के पन्नों पर लाशें, घर में लाशें, पड़ोस में लाशें, मैदानों में लाशें, शमशान में लाशें, कब्रिस्तान में लाशें, अस्पताल के बाहर लाशें, मॉर्चुरी में लाशें, एम्बुलेंस में लाशें, रिक्शों में लाशें, ठेलों पे लाशें, साइकिल पर लाशें, नदी किनारे लाशें, चादरों से ढकी लाशें, व्हाट्सएप पर तस्वीरों में आई लाशें। जब हर जगह हम लाशें देख रहे थे तब सरकार पूरी सियासत कर रही थी, लेकिन गाय भी प्राथमिकता में थी। समझ रहे हैं इस चीज को? जब हर जगह लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा था तब गाय कितनी प्राथमिकता में थी। यूपी सरकार हर जिले में गायों की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनवा रही थी, गौशालाओं को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दे रही थी और इसके साथ ही मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की भी बात अनिवार्य करने की उपात कर रही थी कि गौशालाओं में थर्मल स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन के कंसेंट्रेटर्स भी होने चाहिए,
हमारे और आपके घर में हो ना हो, इन गौशाला में होना चाहिए। ये गौ प्रेम था सरकार का, लेकिन क्या गायों को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है, जो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या गाय वोट देती है? तो हर किसी का जवाब होगा जी नहीं। तो आखिर जब गाय वोट नहीं देती तो फिर सरकार गायों को लेकर इतना उत्सुक, इतना प्रेम भाव क्यों रखती है? तो गायों को लेकर जिस तरीके की मोरल पुलिसिंग होती है, जो गौ रक्षक होते हैं, वो जब गौ रक्षक किसी की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, उसके पीछे जो सियासत होती है और सियासत के बाद जो होता फायदा है, वो दरअसल बड़ा इनकैशिंग है। दर्शकों, एक और चीज है जिसको हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज है कि दर्शकों, गौशाला जो है योगी सरकार आने के बाद बढ़ती है, बहुत ज्यादा संख्या में बनवाई जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, कोई सरकार का हो या विपक्ष का हो या कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि योगी सरकार में गौशालाओं का निर्माण बहुत तेजी के साथ और बहुत भारी संख्या में हुआ। तो क्या सारी गाय गौशाला में पहुंच गई? क्या सारी गाय सुरक्षित हो गई? क्या सब कुछ बच गया? क्या उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर गाय नहीं दिखती? तो हां, दिखती है। गाय अस्पतालों में दिखती है, हमने नहीं देखी क्या? स्कूलों के अंदर जब ग्रामीणों ने गायों को बंद कर दिया, वो तस्वीरें पूरे देश ने नहीं देखी क्या? उत्तर प्रदेश की तस्वीरें थी। उत्तर प्रदेश के जालौन में लोगों ने, ग्रामीणों ने कलेक्टर के दफ्तर में गायों को रख दिया और कहा कि हमारे खेतों को ये गौवंश बर्बाद कर रहे हैं, क्या तस्वीरें हमने नहीं देखी? सबने देखी। तो आखिर ये तस्वीरें हैं क्यों? ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में 5268 गौशालाएं हैं और भी बन रही हैं। जब ये बनना शुरू हुई थी तब मुझको ऐसा लगता था कि जो गौरक्षक है, ये जो गौरक्षक है, इनके पास कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, लेकिन ये सरकार के बड़ा बोले जाते हैं कि सरकार के। तो मुझको लगा कि जब गौशाला बनेगी तो जो गौ प्रेमी हैं, जो डंडा चला रहे हैं, बांस बिल्ला चला रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, लोगों को पकड़ के जान से मार दे रहे हैं, तो शायद इनको नौकरी मिलेगी गौशाला में। तो इनकी संख्या तो वहीं की वहीं रही। ये जो गौ रक्षक हैं, जिनके हाथ में डंडा और गले में बकायदा मफलर है, ये तो वहीं के वहीं रहे। ये गौ रक्षकों को गौशाला में नौकरी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इनकी संख्या तो उतनी की उतनी है। अगर गौशाला में नौकरी दे दी गई होती गौ रक्षकों को, तो इनकी संख्या में गिरावट आती। क्योंकि अगर जो गाय जिनकी ये रक्षा कर रहे थे, अगर उनको गौशाला में रख दिया गया, तो रक्षा तो किसी की कर नहीं रहे, तो अब इनको गौशाला में नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इनसे ज्यादा गौ प्रेमी अगर इनकी माने तो कोई है ही नहीं। तो ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये जो कर रहे थे, ये वही कर रहे हैं आज तक। अब दर्शकों, एक और सवाल है। सवाल ये है कि योगी सरकार ने जो खरीद फरोख्त होती थी जानवरों की, जो गांव में हुआ करती थी, वो सब बंद करा दिया। तो अब जो ग्रामीण हैं, वो बाजार तो लगता नहीं, मंडी तो लगती नहीं, जहां पर जानवरों को बेच सके, छोटा जानवरों को बेच सके या फिर कुछ भी, तो ऐसा तो रहा नहीं अब। और किसी हवाले से, किसी प्रक्रिया से अगर बेच भी दिया, तो कहां वो जुम्मन मिलेगा और कहां वो अब तो शाम भी नहीं मिलेगा, जो अपने रिक्शे से, ऑटो से या अपने ट्रक से उस जानवर को कहीं छोड़ आए। क्योंकि भारी जान का खतरा है, अगर कहीं पकड़ गए तो जब तक दस्तावेज सबूत निकालकर हाथ में रखेगा, तब तक तो जान से मार दिया जाएगा। क्योंकि गाय जो है वो दरअसल प्राथमिकता में है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक आईपीएस पढ़कर, पूरी जिंदगी किताबों के बीच रहकर, पूरी जिंदगी किताबों को चाट पीट कर एक बंदा जो आईएएस बना है, आईपीएस बना है, वो भी आज गाय को लेकर इतना ज्यादा परेशान है, रात को 2 बजे फोन कर दो, अरे आईपीएस साहब वो इधर गाय जो है वो किसी ने गाय पर हमला कर दिया, घबरा जाते हैं, घबरा के मारे रात में 1:30 बजे उठकर आना पड़ता है भाई। तो एक आईपीएस अधिकारी का ये हाल है, एक आईएएस अधिकारी का ये हाल है, एक दरोगा साहब का ये हाल है। उनसे कह दो यहां पर किसी की हत्या हो गई, तो 3 बार बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, रुको, थानेदार को भेजते हैं, इसको भेजते हैं, उसको भेजते हैं, सिपाही को भेजते हैं। और कह दो कि गाय जो है वो यहां पड़ी है, तो कहते हम तत्काल आते हैं। बड़ा विचित्र है ये जो माहौल है, बड़ा विचित्र है कि गाय जो है वो प्राथमिकता में है,
और ये धोखे में मत रहिएगा कि गाय जो प्राथमिकता में है वो दरअसल इसलिए है क्योंकि गाय जो है वो सनातन धर्म में उनको पूजा जाता है, इसलिए है। ऐसा नहीं, गाय जो है सियासत की बलि चढ़ रही है। जो असली गौ प्रेमी होगा, गौ सेवक जो होगा, वो इसको समझेगा कि किस तरीके से गायों को सियासत की बलि चढ़ाया जाए। हर कोई गाय को तो अपना मानता है और कहता है कि बोलो गाय हमारी माता है, और तभी हम उससे पलट के पूछ देते हैं कि चुप, तुमको कुछ नहीं आता। ये सियासत की बलि जो गायों को चढ़ाया जा रहा है और उनके सहारे जो हत्या कत्ल, ये जो ड्रामा चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब दर्शकों, सबसे पहले आपको सियासत के इर्द गिर्द जो गाय घूम रही हैं, तो गायों को खुद पर इतराना भी कोई बड़ी बात नहीं। गाय हैं तो सड़क से लेकर एक्सप्रेसवे तक छुट्टा घूम सकती हैं, इनके लिए कानून है, लेकिन इन पर कोई कानून नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये देखिए तस्वीरें, बड़ी ही कोई नई नवेली तस्वीरें नहीं है। हालांकि आप देखते रहते होंगे और कहेंगे कावेंद्र चौहान ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो पुरानी तस्वीरें, कोई एक महीना, कोई एक साल, कोई डेढ़ साल, कोई दो साल। लेकिन एक दिल्ली की तस्वीर भी लगा दी है, क्योंकि दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली की तस्वीर भी लगा दी। आगरा की तस्वीर देखिए, लखनऊ की तस्वीर देखिए, मथुरा की तस्वीर देखिए, बस्ती की तस्वीर देखिए, ये सब गौशालाओं की तस्वीरें हैं। तो गौशालाएं तो बनी हैं, गौशालाओं का निर्माण तो हुआ है, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि क्या सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है, अब इन तस्वीरों को हटाते हैं, तो आपको दिखा रहे थे कि ठीक है, निर्माण हुआ है, ठीक है बाकी सब। अब आवास कार्यक्रम के जरिए आपको बताते हैं कि देश में गौवंश की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पुलिस अधिकारियों से लेकर किसानों के लिए सिरदर्द कैसे बना है, यह आपको बताते हैं। गौशालाएं बन गई, गायों को रख दिया गया, ठीक, सब कुछ ठीक है। लेकिन गौशालाएं जो रखी गई उनकी जो संख्या है दर्शकों, वो है 5268 उत्तर प्रदेश की बात करें तो, जहां पर 573,417 जानवर रखे। आपको बता दें कि 464,311 गायों को 4,529 अस्थाई गौशालाओं में रखा गया, 40,640 गायों को 116 कान्हा गौशाला में रखा गया, 10,827 गायों को 407 कांजी हाउस में रखा गया। दर्शकों, आप एक चीज समझ, सिर्फ लखनऊ की बात करी जाए अगर, तो एक कान्हा गौशाला है, मान कान्हा गौशाला में गायों को रखा जा सकता है 4,000, और सड़क पे गाय थी 8,000, तो क्षमता से अगर 1,000 ज्यादा भी रख दिया गया तो 5,000, फिर भी 3,000 गायों का करें तो करें क्या। अब ये जो 3,000 गाय हैं जो सड़कों पर घूम रही हैं, अब सरकार में योगी जी ने तो कह दिया कि गाय को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना अधिकारी तुम पर डंडा चलेगा, अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, तो अधिकारी वहां परेशान। अब वो भगाए सड़क से कि गाय सड़क पर दिख गई, किसी ने फोटो खींच लिया तो मुख्यमंत्री साहब डांट देंगे। अब वो सड़क से गाय हटाता है और गाय जाती है खेत में, अब वो खेत में किसान का नुकसान कर रही है, उसकी फसल को बर्बाद कर रही है, तो किसान गौवंश को भगा रहा है खेत से, अब वो गाय खेत से भागे तो सड़क, सड़क पर अधिकारी भगाए तो वो खेत। तो सरकार ने तो कह दिया कि हम गायों का बड़ी अच्छी से देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिरदर्दी किनकी बढ़ा दी दर्शकों? सिरदर्दी बढ़ा दी गई ग्रामीणों की, सिरदर्दी बढ़ा दी गई आईएएस आईपीएस अफसरों, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था को कैसे पकड़ में रखें, मजबूती में रखें, उनके ऊपर ये गाय की सुरक्षा का जो बोझ है, अतिरिक्त बोझ है, ये भी लाद दिया। अब ये समझिए, जिस किसान के पास ढंग से खुद का खाना नहीं, उस किसान से कहा कि देखो जो अनप्रोडक्टिव गाय हैं, इन पर दर्शकों आपको पता होगा कि 11,600 करोड़ का एक साल के अंदर इनको खाने खिलाने का खर्चा है, 11,600 करोड़ अनप्रोडक्टिव जो गाय हैं, गौवंश हैं, उनको एक साल का जो खर्चा है वो है
अब इसको इसको तो सभी लोग अब कैसे, जो एक किसान है, जो एक गौ पालक है, वो लोग वहन करते हैं जैसे वहन करते हैं, ठीक है, कैसे वहन करते हैं। लेकिन दर्शकों, ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन का काम दरअसल कुछ और था, लेकिन वो प्रशासन जो है वो प्रशासन की तरह काम तो करता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो पशुपालन विभाग की तरह भी काम करता है, जबकि पशुपालन विभाग अलग ही था बिल्कुल, लेकिन प्रशासन को भी पशुपालन विभाग के साथ जोड़ दिया गया। दर्शकों, बाकी आगे आता हूं। मैंने जब से होश संभाला है तभी से ये जाना कि माँ एक ऐसा शब्द है जो कि काफी जज्बाती है, माँ एक ऐसा शब्द है जो काफी व्यक्तिगत तो है ही, साथ ही माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ के लिए हमारा प्यार, ये सब कुछ बताने के लिए ज्यादा अल्फाज खर्चने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि माँ ने, माँ तो समाज में भी है, माँ तो सियासत में भी है, माँ तो राष्ट्रवाद में भी है, माँ तो गंगा में भी है, भारत माँ भी है, माँ गाय भी है, माँ दरअसल प्रेम का पर्याय है, लेकिन गौ माता आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सियासत की माता बनकर रह गई। ये सच है कि जो गाय माता है वो सिर्फ सियासत की माता बनकर रह चुकी है, और उसके बाद हम नेताओं की वो बातें सुनते हैं जो वो कहते रहते हैं गाय के। हिंदुओं मुसलमानों में ये मुल्क अब बढ़ चुका है। आप देखिए कि मादरे वतन मुसलमान हो गई, भारत माता हिंदू हो गई। हिंदू गाय को मां कहता है तो ये कट्टरपंथी जो मुल्लाज हैं कहते हैं कि ये जानवर हमारे लिए हलाल है, इसको खाओ। 1000 भैंसें हैं वहां पर, और मैं जब सड़क पे रात में चलता हूँ, सोचो हम सड़क पे रात में चले, आप भी चलते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही वो बात जानता हूँ, आप भी जानते हो बात, लेकिन आप नहीं लिखते उस बात को। बताओ गाय माँ कितनी सड़क पर दिखाई दे रही है, इस बरसात में बेचारी गाय माँ के पास कोई जगह नहीं रहने की, बोलो सड़कों पे थी कि नहीं थी, बताओ आप। कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिस पर गाय माता आ न रही हो, वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो भींगे में नहीं रह सकती गाय, और जानवर तो भींगे में थोड़ा बहुत रह सकते हैं लेकिन गाय धीमे में नहीं रह सकती, इसलिए गाय धीमे धीमे वो जगह ढूंढती है जहां पर पानी नहीं है, और पूरी सड़कों में, पूरे उत्तर प्रदेश में गाय माँ दिखाई दे रही। और हम तो कहते हैं हमसे ज्यादा गाय माँ की चिंता आपको भी, आपके घरों में है ही नहीं गाय, किसी घर में गाय नहीं, आप चेक कर ली लखनऊ में, और हमारे घर में जाओ हम बता देंगे कहाँ है हमारी गाय। तो सोचिए ये लोग केवल वोट लेना जानते हैं, गंगा माँ के नाम पर, गाय माँ के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, लेकिन सच्चाई जब काम करने की आती है तो क्यों दूर भाग जाते हैं ये लोग। मैंने क्या कहा, मनुष्य भी महत्वपूर्ण है और गाय भी महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं अपनी जगह होंगी, दोनों के बगैर इस समाज में हर जीव सृष्टि है, इसमें हर जीव जंतु की अपनी भूमिका है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबके संरक्षण का दायित्व होना चाहिए। गाय जिसके दूध से, जिसके गोबर से, जिसके मूत्र से, जिसकी और सांस से सब प्राणी मात्र का हल होता है, उसकी वध नहीं होगा, उसकी रक्षा और सेवा होगी, उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा, उसका दूध पिया जाएगा, तो यह जो भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है ये सब रोका जा। दर्शकों, बीते साल एक और चीज देखी थी, बीते साल अक्टूबर में योगी सरकार ने कहा था कि गायों की ई टैगिंग जो है वो अनिवार्य की जाएगी, ईयर टैगिंग अनिवार्य करेंगे उसको, तो इसका मतलब यह है कि जैसे मनुष्यों का आधार कार्ड बनता है वैसे गायों का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसको आप गायों का आधार कार्ड मानिए। अब आप ये सोचिए कि गौ माता जो है वो हमारी माता है, गाय माता जो है वो आपकी माता है, गाय माता जो है वो मेरी माता है, या ये गौ माता सियासत की माता। बहुत ठहर के सोचने की जरूरत है कि गाय को किस तरीके से सियासती लोग, सियासतदान अपने अपने हिसाब से नए नए नाम दे रहे हैं, नए नए स्वरूप दे रहे हैं, और आपको इंसानों को उनसे कम तवज्जो देकर एक गाय के नाम पर एक पुलिस अधिकारी की अगर मौत हो जाती है तो इसे शर्मनाक किसी राज्य की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझने का समय है। मेरा काम था कार्यक्रम के जरिए आपको जागरूक करना, आवाज को उठाना, और मैंने इस आवाज को उठाया। बाकी आप सभी का कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।